नमस्ते, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको काले चने बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैं देखिए रात भर लगभग 200 ग्राम चने को रात भर पानी में भिगो दिया है और सुबह पानी से इसको निकाल दिया। पानी से निकालने के बाद मैंने इसके लिए दो हरी मिर्च को बीच से कट कर लिया है। बीच से देखिए थोड़ा सा कट लगा दिया और प्याज को चॉप कर लिया है। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे। गैस पे रख के कढ़ाई को गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें हम स्पेशल सरसों तेल में ही बनाएंगे, क्योंकि सरसों तेल से सब्जियों का टेस्ट और बढ़ जाता है। उसमें तेल गरम हो चुका है, उसमें हम दो मिर्च डाल दिए। मिर्च को थोड़ा सा हल्का ब्राउन करेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज को चॉप किया था उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद थोड़ा सा उसको भी, मतलब 20 सेकंड के लिए उसको भी थोड़ा फ्राई कर देंगे। इसको फ्राई करने के बाद हम चने को भी इसमें ऐड कर देंगे, चना को भी ऐड कर देंगे। अब इस चने को धीरे धीरे पलटे से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे। जैसे ही भूनते रहेंगे उसके बाद 2-3 मिनट के लिए हम ढक्कन से इसको ढक दिए। देखिए 2 मिनट हमारा हो चुका है। अब देखिए अभी भी चना अच्छी तरह से पका नहीं है। ये थोड़ा सा हल्का जब ब्राउन हो जाता है तब चना पकता है। इसके लिए हम थोड़ी देर ढक दिए। अब ढकने के बाद फिर 2 मिनट हो चुका है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक ऐड कर दिए। नमक ऐड करने के बाद फिर इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। 2 मिनट के लिए ढकेंगे। उसके बाद फिर इसको देखेंगे कि ये पक गया कि नहीं पक गया। देखिए चना हमारा अब ऐसे ऐसे ही ब्राउन होना चाहिए। देखिए इसको फिर से हम चलाएंगे, चलाते रहेंगे। देखिए हमारा अब चना थोड़ा थोड़ा कलर आ चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें अब कलर आने लगे हैं। अब देखिए इसको एक चने को लेके दबा के देखेंगे कि ये जब दब जा रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा चना खाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको गर्मा गर्म प्लेट में लेके सर्व करेंगे। और सुबह का नाश्ता जो होता है सुबह में खाने से शरीर को और विटामिन से भर देता है, इसलिए सुबह सुबह में नाश्ता के बदले आप चना ही फ्राई करके नाश्ता कीजिए।